हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए। ये आप लोगों का लेटर नंबर 16 है और आज का लेटर कोई लव लेटर नहीं है। लाइक सीरियसली जो कन्फेशन आया है ना, इट्स क्रेजी। एनीवेज मैं पढ़ती हूँ जो मैसेज चैनल हुआ है। क्या कहूँ, दोस्त या कुछ, खैर जाने दो। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया वो मेरा फैसला था। तुम्हारे नज़रों में गलत होगा पर मेरे लिए सही था। और तुम तो दूसरों की फैसलों की इज्जत करना नहीं जानती। हाँ, चोट मुझे लगी, काफ़ी कुछ खोया भी, पर वो मेरा दर्द था, मेरी किस्मत। तुम्हें अफसोस जताने की या मेरे किस्मत में और तकलीफ़ भरने की कोई हक नहीं थी। मैंने तुम्हें हक नहीं दिया था। नाराज़ किस बात के लिए हो कि मैंने तुम्हारा क्यों नाराज़ किस बात के लिए हो कि मैंने तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं किया। तुम अपनी मर्जी मेरे साथ नहीं चला पाई। हंसी तो अब मुझे आ गई क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता चला गया, अपनी दिल की माना। सच ही तो कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें ही सच नहीं सुनना था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्यार नहीं करता तुमसे, और तुम्हें तो ना सुनना मंजूरी नहीं था। कुछ ना सही पर दोस्ती के नाते ही एक बार मेरी खुशी के बारे में सोच तो लिया होता, पर ना, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद की ही पड़ी हुई थी। ना तुम दोस्ती निभा पाई ना इंसानियत। कहा था मैंने दोस्ती से ज़्यादा नहीं दे सकता, फिर भी तुम्हें मेरे और मेरे प्यार के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ही था। वैसे अच्छा ही किया तुमने जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, उसके वजह से आज हमारी शादी हो गई। तुमने उनके घर वालों को सब कुछ बता दिया था ना। उनके घर वालों को इस बात का डर था कि कहीं मेरी बेटी बदनाम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही रिश्ता भेज दिया।